हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये है सुबह सुबह का टाइम, आज है 1 अप्रैल और बस मैं किचन में आ गई हूँ। आज से स्कूल अर्ली मॉर्निंग हो गए हैं, तो देखिए मेरा टाइम भी बढ़ गया है, जगने का सुबह टाइम और जल्दी हो गया। पहले मैं 5 बजे उठती थी, अब मैं 4 बजे उठती हूँ। मैं 4 बजे का अलार्म लगाया था, कोशिश करते 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 मैं 4:15 तक उठ पाई हूँ और अभी देखिए 4:19 हो रहे हैं मॉर्निंग के। अभी 2-4 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी तो आँख खुल जाया करेगी। अभी थोड़ा सा 5 बजे वाला बॉडी क्लॉक सेट है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है बॉडी को एडजस्ट करने में। वैसे तो जब चिंता होती है तो अपने आप ही आँख खुल जाती है, लेकिन उठने का मन नहीं करता। तो बस करते करते 4:15 से ऊपर 4:20 तक हो गए हैं। अब फटाफट लगना है काम में ताकि टाइम पर सारे काम पूरे हो जाए। तो बस मैं आ गई किचन में। सबसे पहले रात को डिसाइड कर लिया था क्या बनाना है। आलू और बीन्स की सूखी सब्जी बनेगी टिफ़िन के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए, और दोपहर के लिए मैं बना के जाऊँगी दाल, और बच्चे दोपहर में गरम गरम चावल बना लेंगे। चावल भी बना देती हूँ मैं, लेकिन ना ठंडे हो जाते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते इतने खाने में, और गर्म रहते हैं तो एटलीस्ट एक चीज़ तो गर्म रहती है, दाल ठंडी है तो चावल गर्म है तो बच्चे खा लेते हैं। वरना वो आलस इतना करेंगे ना कि कुछ भी गर्म नहीं करेंगे, ठंडा ही खा लेंगे, फिर ठंडा खाना खाया नहीं जाता है, तो वो फिर वैसे ही थोड़ा बहुत 2-4 चम्मच खा के सारा ऐसे ही छोड़ देंगे। तो बस मैं किचन में, रात को दूध वाले बर्तन थे शायद वो बच्चों ने इधर ही रखे कप कर दिए, बस वही सब मैं सही कर रही हूँ, और इसके बाद फिर अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊँगी आलू बीन्स की सब्जी एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं कुकर में चढ़ा दूँगी दाल। जब तक दाल बॉयल होगी फिर उसको फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने लिया सरसों का तेल, और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, और सरसों के तेल को ना यूज़ करने से पहले एक बार स्मोक कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ उसका वो कच्चापन जो उसकी झाग जैसी होती है ना वो आती है खाने में, और सरसों के तेल का कच्चापन तो बिल्कुल फील होता है खाने में। तो अगर आपके घर में बच्चे पसंद नहीं करते तो आप एक बार सरसों के तेल को अच्छे से हीट करके, मतलब उसकी जैसे धुआं उठ रहा है हीट उठा लीजिए, फिर चाहे ठंडा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसके बाद। तो सबसे पहले मैंने डाला इसमें हरी मिर्च का छौंक लगाया, और इसमें हम डालेंगे अपने आलू। पहले हम आलू बीन्स की सब्ज़ी में पहले आलू ही फ्राई करेंगे, क्योंकि आलू को पकने में बहुत टाइम लगता है। अगर हम दोनों को साथ में डाल देंगे तो आलू पकेंगे नहीं और बीन्स पकते पकते बिल्कुल सिकुड़ के ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए मेरे आलू हो गए हैं, मैंने उसको करीब 5 मिनट भुना था खुला, और थोड़ा ढक दिया ताकि थोड़ा सा अंदर से भी पक जाए। अब जब आलू पक जाएंगे तो इसे खोल के हम देख लेंगे, मतलब मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे आलू हो गए 50% तक। तो अब जब मेरे आलू 50% डन हो गए तो हम इसमें डालेंगे अपने कटे हुए बीन्स। जब आलू आपके 50% हो जाए तभी बीन्स डालिए, इससे क्या होगा कि आलू हमारे परफेक्ट कुक हो जाएंगे और बीन्स हमारे ओवर कुक नहीं होंगे, और ऐसे खड़े खड़े दिखेंगे तो बड़े अच्छे लगती है सब्ज़ी इसकी। इसमें हम डालेंगे अपने रेगुलर मसाले, हल्दी, मिर्च और नमक, क्योंकि मैं ये भुजिया सब्जी बना रही हूँ यानी सूखी सब्जी, तो इसमें धनिया नहीं डालेंगे। मैं धनिया नहीं डालती हूँ सूखी सब्ज़ी में, अगर आपके यहाँ डाला जाता है तो आप डाल लीजिए। तो हल्दी, नमक और मिर्च तीन चीज़ डाल के हम इसे अच्छे से मिलाएंगे, और जब मसाले सारे कोट हो जाएंगे सब्ज़ी पे तो हम इसे ढक देंगे, ढक के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। ढक देने से ना सब्ज़ी जो होती है वो भाप में पक जाती है, ज़्यादा उसमें तेल पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए बस स्टेज पर सबको मिला के मैंने ढक दिया है। इसमें एक चीज़ और जाएगी, इसमें जाएगा आमचूर, लेकिन आमचूर अभी नहीं जाएगा, वो जाएगा पकने के बाद, अदरवाइज़ आलू कच्चे रह जाएंगे, पकेंगे ही नहीं। अब दूसरी तरफ बना लेते हैं चाय, क्योंकि सुबह सुबह आँख खुलनी थी, सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। जब मैं सुबह रात को सोई तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, जब सुबह उठी तो सिर में इतना बुरा वाला दर्द था लेफ्ट साइड में, पूरे सिर में। मुझे वैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो शायद ये माइग्रेन ही होगा, और सुबह मुझे डर लग जाता है कितना तेज़ सिर में दर्द होगा इसका हिसाब नहीं। तो बस इसको बना के, और जब तक देखिए पीछे कुकर में हमारी दाल बॉयल हो गई है, 3-4 सीटी आ गया उसमें, और मैंने उसको बंद कर दिया, उसको तड़का लगाना था, अभी सीटी आ रहा है उसमें, मैंने ध्यान नहीं दिया। और जब सब्जी हो जाएगी तो तड़का लगाएंगे, तब तक बना लेते हैं चाय फटाफट से। तो बन रही है हमारी चाय, अभी इसे बैठ के एंजॉय करेंगे फिर उसके बाद। और ये देखिए, ये जो मोमेंट होता है चाय बॉयल होने वाला, ये मुझे इतना अच्छा लगता है, मतलब सोच नहीं सकते आप बिल्कुल। सब चाय, और ये जो कलर टेक्सचर होता है चाय का ना, ये सुपर्ब होता है। बस इसमें डालेंगे जैगरी पाउडर। मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में चीनी का यूज़ नहीं होता है, तो हमारे घर में हर चीज़ में गुड़ या गुड़ का पाउडर जाता है, तो
मैंने डाला 2 चम्मच जैगरी पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बस इसे छान लेंगे, छान के इंजॉय करेंगे। तो मैं चाय पीती हूँ, तब तक मेरी सब्ज़ी भी गल के, आलू गल जाएंगे, सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। फिर हम बनाएंगे इस पे टिफ़िन के लिए पराठे। अब दाल फ्राई कर लेते हैं। दाल फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में लिया है थोड़ा सरसों का तेल। इसमें हम डालेंगे अपने कटे हुए प्याज और हरी मिर्च। उससे पहले मैंने डाला थोड़ा सा जीरा, क्योंकि मैंने बनाई है सरसों अरहर की दाल। अरहर की दाल में वैसे तो घी और जीरे का तड़का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो तब अच्छा लगता है जब दाल गर्म गर्म हो, तुरंत बनाएं और तुरंत खा लें। और मुझे दाल रखनी है, बच्चे दोपहर में खाएंगे, तो मैं इसमें लगाऊंगी घी वाला तड़का, प्याज टमाटर वाला। तो इसमें डाला मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा जरा सी हल्दी डालती बिल्कुल नाम की, लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है, बस इसको चला लेंगे। और टमाटर नहीं है, टमाटर ख़त्म हो गए, मुझको कल ध्यान नहीं रहा। तो अब इस स्टेज पे हम इसे चला लेंगे, चला के तो थोड़ा सा ये पक जाएगा मसाले, तब तो इसमें डालेंगे अपनी दाल। दाल को डाल के और तुरंत इसको नहीं उतारना है, मैं इसे खूब अच्छा सा बॉयल दिलवा के फिर दाल को उतारती हूँ। मतलब दाल जैसे एक उबाल आ गया, फिर ऐसा नहीं कि कम करके उतार, देखिए अभी उसमें उबाल आना शुरू हुआ है साइडों में, देखिए, और खूब ऐसा बढ़िया वाला जो उबाल आता है ना, फिर मैं उसको ये वाला उबाल दिला के खूब अच्छे से चला चला के साइडों से ये झाग सा सब निकाल विकाल के खूब बढ़िया से, तब मैं मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल मसाले और दाल अलग नहीं है, तब मैं इसे उतारती हूँ। अब लास्ट में थोड़ा सा धनिया काट के डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट और लुक दोनों इन्हेंस हो जाएगा। और बस दाल हमारी रेडी है, अब हम इसे पलट लेंगे कढ़ाई के बर्तन, लोहे की कढ़ाई में ना, या लोहे के बर्तन में। कोई भी खाना बना के बहुत लॉन्ग टाइम नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वो उसमें कलर भी उसका थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, उसका टेस्ट भी कभी कभी हो ही जाता है। तो मैं उस बनाने के बाद उसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ किसी भी स्टील के बर्तन में। और अब हम बना रहे हैं अपने पराठे स्कूल के लिए। तो स्कूल अभी बच्चों के खुले नहीं हैं, दोनों की छुट्टियाँ हैं, मंडे से खुलेंगे, सिर्फ मेरे स्कूल चल रहे हैं, तो मेरे पराठे बनेंगे और एक दो बरीका बना दूँगी एक्स्ट्रा, अगर इनमें किसी का मन किया खाने का तो खा लेंगे, अदरवाइज़ जब इनका नाश्ता होगा तभी अपने वो खा लेंगे और एक आध और बना लेंगे। तो ये बन रहे हैं पराठे टिफ़िन में जाने के लिए। मैंने लगाया फटाफट अपना टिफ़िन, और आज एक ही टिफ़िन लगना है, तो मेरा टिफ़िन लग गया, बस रेडी है। और फिर इसके बाद चलते हैं बाथरूम में, जहाँ मेरे कपड़े, मेरी मशीन मुझे पुकार रही है, दिल ये पुकारे आजा, क्योंकि आज सैटरडे और मैंने लगा रखी है मशीन और मैं काम कर रही हूँ 5G की स्पीड में, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, मॉर्निंग स्कूल हो गया है। और बस ऐसा लग रहा था कि घड़ी भाग रही है या मैं भागूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ, लेकिन मजाक कर रही हूँ मैं, हो गया था सारा काम आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ थोड़ा सा लास्ट टाइम पर थोड़ा सा जल्दी तो करना पड़ता है, अदरवाइज़ टाइम बाउंडेशन यही तो होती है टाइम टेबल, लेकिन ये सैटरडे कपड़े धुल जाते हैं तो बड़ा आराम हो जाता है। फिर ये स्कूल से लौटने के बाद, मैं स्कूल से जस्ट अभी आई हूँ 5-10 मिनट पहले, और ये बच्चों को लेके जा रहे हैं वंश की, आज से बैडमिंटन क्लासेस शुरू हैं उसकी एकेडमी में, उसे कोच ने आज का टाइम दिया था मंडे से, और नेहा उसको उसकी ट्यूशन छोड़ेंगे हम, उसकी आज से नई ट्यूशन भी शुरू हुई है। और ये हम चले एकेडमी में, बैडमिंटन एकेडमी, ये हमारे ये स्पोर्ट्स एकेडमी है पूरी, इसमें मतलब एक तरफ बैडमिंटन कोर्ट है, एक तरफ वॉलीबॉल के लिए है, एक तरफ फुटबॉल का पूरा फील्ड है, एक तरफ क्रिकेट का फील्ड है, मतलब ऑलमोस्ट सारे गेम्स कवर है। और ये इतना सुंदर है, मतलब मैंने बाहर से हमेशा देखा है, हम इसके आगे से यही रास्ता है हमारा कहीं भी आने जाने का, पास होने का, मैंने सिर्फ उसको बाहर से देखा था, आज फर्स्ट टाइम मतलब अंदर से हम लोग आए। इतना ब्यूटीफुल है इसका जो फील्ड है, और इतना मतलब मेनटेन किया हुआ है इसको, ये जो थोड़े बहुत पैचेस हैं टूटे इन पर मत जाइएगा, इतनी बड़ी बिल्डिंग को मेंटेन करने में रह जाता है, लेकिन इसका जो गार्डन मेंटेन है भाई, सुपर्ब गार्डन मेंटेन कर रखा, बहुत ही नज़र ही नहीं हट रही थी, इतना प्यारा। और ये वंश बहुत एक्साइटेड है, और उससे ज़्यादा उसके पापा एक्साइटेड है, सबसे आगे आगे वही हैं, उसके पीछे वंश, उसके पीछे मैं, तो वंश तो बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है कि आज से मतलब मेरा शुरू हो गया। उसे बैडमिंटन करना बचपन से ही बहुत शौक है, लेकिन वही बच्चे कहाँ खेलते हैं, फ्रेंड्स के साथ गली में, थोड़ा बहुत स्कूल में हुआ तो वहाँ खेल लिया, या फिर भाई बहन आपस में। ये देखिए पूरी एकेडमी ही है, कितना खूबसूरत व्यू है, देखिए। अब मैंने पूरा तो रिकॉर्ड नहीं किया,
अब कुछ दिन और छोड़ने जाऊँगी तो वंश को पूरा अच्छे से प्रॉपर वीडियो बना के लाऊँगी, तब आपको दिखाऊँगी। और ये मतलब मैं वंश को लेके गई थी, फिर मैं वहीं रुक गई थी 2 घंटे 2.5 घंटे एक्चुअली 4 to 6:30 तक। फिर जब उसने पूरा अपना उसका हो गया प्रैक्टिस वैक्टिस, तब मैं उसको लेकर आई थी। पापा इसके हमें छोड़ने गए थे, फिर वो आ गए थे क्योंकि उन्हें नेहा को पिक करना था। फिर उसके बाद दोबारा वो हमें लेने के लिए गए थे। तो अब डेली का यही रूटीन रहेगा, क्योंकि हो सकता है बाद में थोड़ा वंश मतलब फैमिलियर हो जाए वहाँ के माहौल से, तो मतलब ना कहे। अभी तो आप ये था कि मम्मा आप मेरे को लेने आ जाना टाइम पे, फिर जब हम अंदर जाने लगे तो पहली बार आया ना तो कह रहा है कि मम्मा आप रुक जाओ, देखो सबके पेरेंट्स रुके हुए हैं यहाँ पे। वहाँ पे बहुत सारे छोटे बच्चों के पेरेंट्स ना रुके हुए थे, छोटे के बड़ों के पेरेंट्स भी रुके हुए थे, कईयों के छोटों के भी रुके हुए थे। तो फिर मैं रुकी गई, मैंने कहा ठीक है मैं रुक जाती हूँ। और स्कूल से आई गई थी, इनका ऑफ था, तो ये बोले मैं लेने आ जाऊँगा तुम रुक जाओ। तो हम लोग वहीं देखी, अब मम्मा आ गए 4th floor पे, अकेडमी एक्चुअली 4th floor पे है, और ऐसे ये बना हुआ है स्लोप सा चढ़ने के लिए, चढ़ने में तो टाइम लगा, उतरने में टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी। तो बस ये अब आ गए अंदर अकेडमी में, अभी आपको दिखाती हूँ। इतनी शानदार अकेडमी है, मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है, मैंने फिल्मों में देखी थी। ये देखिए कितना बड़ा कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है पूरा, ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, हर मतलब एज ग्रुप के बच्चे हैं। और ये वंश अपने कोच को खोज रहा है कि कौन से सर हैं हमारे वाले, तो पापा ने उसके फ़ोन के कंफर्म किया। बस ये देखिए वंश जब सर के पास गया अपने कोच के पास, उन्होंने कहा कि पहले वार्म अप करो, तो कभी 5 to 10 minutes वॉकिंग रनिंग करके आओ थोड़ा। तो फिर सर ने उसको रनिंग पर लगाया, तो अभी रनिंग कर रहा है पूरे कोर्ट का वो। फिर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करवाई थी, फिर उसके बाद उसका शुरू हुआ था जो भी था। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब मुझे लग रहा था कि अच्छा हुआ मैं अंदर आ गई और बैठी, और अच्छा हुआ कि मैं डेली आके बैठूंगी, ये सब मुझे देखने को मिलेगा। बच्चे इतनी मेहनत कर रहे थे, इतनी प्रैक्टिस, पूछो। ये दोबारा मैं एक बार बाहर आई थी, वंश की बॉटल गाड़ी में रह गई थी, उसे प्यास लगी थी तो मैं लेने के लिए आई थी। ये फिर से वही व्यू, और इतना खूबसूरत व्यू है ये देखिए। और बस हो गया उसका कंप्लीट, 6:30 हो रहे हैं अभी, हम 4 o'clock गए थे, अब 6:30 हो गए, तो हम लौट के आ रहे हैं वापस। ये बता रहा है क्या क्या हुआ था अंदर, बहुत सारी बातें होती है वंश के पास बताने के लिए, वो बहुत बातें मतलब अपनी सारी बातें शेयर करता है पापा से, मुझसे ऐसे हुआ वैसे हुआ, अभी आप सुनिएगा देखिएगा। उससे मतलब नहीं कि आपकी हाइट बड़ी हो या कैसी, जितनी जल्दी सीखोगे उसमें चले जाओगे। अच्छा, मतलब वो बता रहा था वहाँ दो तरह के थे, उस साइड छोटे बच्चे खेल रहे थे और इस साइड बड़े बच्चे खेल रहे थे। तो वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है कि मम्मा मेरी हाइट बड़ी छोटी होने से मतलब नहीं है, अगर मैं अच्छा खेलने लग जाऊँगा ना जल्दी तो मैं इधर वाले कोर्ट में आ जाऊँगा, मतलब खेलने के लिए जहाँ बड़े भैया भैया खेल रहे थे। उसे बड़ा शौक है बड़े भैया के साथ खेलने का, बड़े लोगों के साथ खेलने का, कि मतलब जल्दी से मैं परफेक्ट हो जाऊँ, जल्दी से मैं बड़े लोगों के साथ खेलने लगूँ। तो बस यही देखिए, अभी इन दोनों की कुछ आपस में चल रही है छोटर पोटर बहस कुछ। अच्छा ये बता रहा है इसने एक नया फ्रेंड बनाया है आज ही, कि पापा ये मेरा फ्रेंड है, ये वहाँ हम दोनों एक साथ एक कोर्ट में एक साथ थे, बातें कर रहे मतलब खेल रहे थे। तो चलते हैं घर। और इस समय मौसम 6:30, अभी कैमरे में शायद इतना नहीं दिख रहा है, एकदम अंधेरे वाला मौसम होता था, बादल फटके नीचे गिर जाएंगे, इतने काले बादल थे। बस ये हो रहा था कि हम जल्दी जल्दी घर जाएँ, और ये बाई चांस गाड़ी खड़ी करके घर पर और 2-wheeler लेकर आ गए थे, टू व्हीलर जाएंगे। फिर ये हमें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए और भीग जाए, लेकिन बारिश हुई नहीं, घर आने के बाद बारिश हुई। और ये देखिए व्यू कितना खूबसूरत व्यू है, मेरे तो आंखें नहीं भर रही हैं अभी भी, मतलब देख देख के मन कर रहा है दोबारा जाने का। ये है बाहर का मौसम, ये वंश हैप्पी 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 बिल्कुल। और ये है हमारी अकेडमी, ये है गेट नंबर 4, बस यहीं आना। अब हम चले घर को, और मौसम इतना अच्छा था, इतनी ठंडी हवा, बिल्कुल काले बादल लग रहे थे, बस अभी बारिश हो रही है, एकदम घटाएँ पूरी घिरी हुई थी। तो चलते हैं घर, फिर घर पे मिलते हैं आपसे। घर आके चाय पीने के बाद मैं तुरंत लग गई किचन में, क्योंकि फटाफट खाना बना के खाना था, और उसके बाद जल्दी सोना था, बहुत थक गई थी आज पहली फर्स्ट डे उठना 4 बजे, तो अभी बॉडी को इतनी हैबिट नहीं है इतना। फिर वंश का वहाँ जाना आना बहुत हैक्टिक रहा, तो मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। इसको सबसे पहले प्याज और हरी मिर्च छौंक दी है तेल में, जब थोड़ा गुलाबी हो जाएगा तो इसमें डालेंगे कद्दू, और कद्दू डाल के उसको अच्छे से भुनेंगे, और थोड़ी देर खुला भुनेंगे, अभी इसमें थोड़े से स्पॉट्स से आ जाएंगे। और देखिए जल्दी जल्दी मेरा काम हो रहा है, मैंने काटने पीटने का वेट नहीं किया, एक तरफ मैं छौंक रही हूँ एक तरफ मैं काट रही हूँ, वही मेरा सुपरफास्ट वाला काम चल रहा है। कि फिर इसके बाद जब थोड़ा भुन जाएगा उसमें डालेंगे हम टमाटर,
और ये कद्दू ना जो नॉर्मल कद्दू होती है वो वाला कद्दू नहीं है, दिखने में तो वैसे ही था, लेकिन जब मैंने लाकर उसको काटा ना तो ये वो जो हाइब्रिड कद्दू आ रहे हैं ना आजकल, जुकनी और कद्दू का हाइब्रिड जो आता है, जो दिखने में तो कद्दू होता है बट वो काटोगे ना तो अंदर से बिल्कुल टेक्स्चर वाइज जुकनी जैसा होता है, बहुत सॉफ्ट, मतलब मैं कभी काटूंगी तो आपको दिखाऊंगी। और देखिए मैंने इसमें टमाटर डाल के इसको ढक दिया है, और मैंने इसमें डाले थे थोड़े से मसाले, सूखे मसाले, हल्दी मिर्च धनिया नमक। ये देखिए मैंने इसकी पापा की निकाली है सब्ज़ी, हस्बैंड की, बिना गुड़ की जैगरी की, वो मीठा नहीं खाते हैं इसमें, और हम लोग डालेंगे इसमें जैगरी पाउडर और आमचूर, हम बनाएंगे खट्टा मीठा कद्दू। तो बस हमारा कद्दू तैयार हो गया। अब मैं सोचा रोटियां बनाऊं तो फिर लोग बोलने लगे मम्मी खट्टे मीठे कद्दू के साथ तो पूड़ियां बना दो, पूड़ियां खाएंगे। हस्बैंड ने भी कहा तो मैंने कहा चलो पूड़ियां छान देते हैं, जल्दी जो बच्चों को पसंद है, जिनको सबको पसंद है वो खा लेंगे। तो बस ये बन रही है फटाफट पूड़ियाँ 5G की स्पीड में। ये कैमरे का कमाल है, मतलब कैमरे का भी सेटिंग का इतनी तेज़ नहीं बनती है, इतना तेज़ अगर काम होता तो फिर बात ही क्या होती, 24 घंटे का काम इंसान 4 घंटे में कर लेता 4x की स्पीड से। बट चलो कहीं तो पॉसिबल है, वीडियो में तो कम से कम पॉसिबल है, वीडियो में ही कर लेते हैं। वैसे भी एक औरत की लाइफ, एक मतलब वुमन की लाइफ, और वो वैसे भी 2x 3x की स्पीड से चलती है। और ये देखिए मैं सभी तैयार हो गई है, और अगर बच्चे हों छोटे हैं और वर्किंग हो तो फिर कहना ही क्या, फिर तो 5x 10x भी कमी है। तो बस इसी, लेकिन जो भी चलती है, जैसी भी चलती है, बेस्ट है बिल्कुल। और ये हमारा डिनर तैयार हो गया। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर चैनल पे नए हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा।